हेलो स्विमर्स, देखिए जिसको लग रहा हो कि उसकी किक बहुत अच्छी चलने लगी है, अपने पुल में बेस्ट किकर हो गया है वो, तो वो क्या करे, अपने साथ एक पैड ले इस तरह, ठीक है, ये इस पैड को ले और उस पैड को हॉरिजॉन्टल इस तरह रखे अपने अपने सामने इस तरह, मतलब एक वॉल क्रिएट कर ले अपने सामने, और वॉल क्रिएट करके क्या करे कि वो किक करे, वॉल क्रिएट करके इसको ऊपर इतना रख सकते हैं, मतलब कोशिश तो करनी है पूरा ही नीचे रहे, और इस तरह नहीं करना है नीचे रखने के बाद, इस तरह करके और किक करे खूब तेज, ठीक है, इस तरह किक करके आगे बढ़े और फिर देखे कि क्या उसको पावर लग रही है। जाहिर सी बात है पावर लगेगी, क्यों लगेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है पावर लगेगी क्योंकि आप ये एक रेजिस्टेंस अपने सामने बना रहे हैं, मतलब आप अपने सामने इस तरह रेजिस्टेंस बना रहे हैं, देन पानी यहाँ पे इस पर लड़ेगा एंड आपको और पावर के साथ किक करनी पड़ेगी, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी पावर बहुत ही तगड़े तरीके से इंप्रूव होगी, क्योंकि ये कुछ ऐसी ड्रिल्स थी जो हम लोग अपने टाइम में करते थे, तभी आप देखते होंगे जब हम लोग की अब किक चलती है तो स्लो भी किक चल रही है तो भी आप देखते होंगे कि बॉडी एकदम ग्लाइड होते हुए से कट करते हुए जा रही है, तो आप लोग को लगता है स्लो चल रही है, लेकिन वो स्लो चल तो रही है बट पावर के साथ चल रही है किक, इसलिए आप लोग सोचते होंगे कि यार सानू सर तो बहुत आराम से किक कर रहे हैं फिर भी इतनी तेज़ी से जा रहे हैं, हम लोग पूरी पावर लगा देते हैं तो भी नहीं होता, तो प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस आप लोग भी करिए, जो जो मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिस सेट वो आप करिएगा, अगर आप एक इस पैड के साथ 25 मीटर तक किक कर ले रहे हैं, ठीक, तो फिर अगर 25 कर लेना तो इसका कम से कम टारगेट करिए 10 सेट, मतलब 250 मीटर का टारगेट करिएगा, बहुत ही आप लोग को पावर फील होगी, एंड इससे की जॉब कर सकते हैं आप, फिंस लगा के भी कर सकते हैं, अगर फिंस लगा के करेंगे तो डबल पावर आप लोग की लगेगी, क्योंकि फिंस में भी आप लोग को लगता होगा बहुत पावर आ जाती है, लेकिन पावर आने का मेन कारण होता है कि पावर लगती भी, आपके मसल्स ज़्यादा उसमें वर्क करती है तो उसमें थकान भी ज़्यादा लगती है, तो ये वाला चैलेंज आप लोग ज़रूर करिएगा, किक बोर्ड को सामने रखिएगा एंड किक करिएगा, जब आप आगे बढ़ेंगे तो पानी यहाँ पे से लड़ेगा, आपको पीछे ढकेलेगा, लेकिन आप लोग को बॉडी पॉस्चर को एकदम सीधे रखते हुए किक करना है, खूब पावर लगेगी इसमें, तो इस चीज़ को ट्राई करिएगा और अपनी किक की पावर को डबल स्पीड 200% तक आप लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं आराम से, तो आई होप कि ये चीज़ आप लोग करेंगे ट्राई और आप इसका बेनिफिट ज़रूर लेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय।